तो हेलो गाइस, माय नेम इज हर्ष कितरवानी। आ जाओ गेम में, पिला दूंगा पानी। तो भाई देखो, मैं श्री राम को बहुत बड़ा फैन हूँ। फैन नहीं, भक्त भक्त भक्त। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और ये अगर श्री राम के ऊपर ही मजाक बनाएगा ना भाई, जो श्री राम जी की एडिटेड मूवी थी उसको भी इतने सारे पैसे मिले हैं, और वो अच्छी भी है। जो कार्टून मूवी बनी थी रामायण की, तो वो भी अच्छी आई थी। अभी उसका पार्ट 3 लॉन्च होने वाला है, उसके लिए लोग मर रहे हैं। और ये टट्टी चीज देखने के लिए हम जाएंगे सिनेमा हॉल, हम देंगे पैसा इस चीज के लिए। भाई लाना तो टेलीविजन में लाओ, नॉर्मल नेटवर्क्स में लाओ, जिसमें भी तुम लाओगे, स्टार गोल्ड किस में लाओगे पता। अबे टेस्ट टीवी होती है, उसमें प्राइम होता है, हॉटस्टार होता है, उसमें लाओ। लाओ भाई, देखूंगा देखूंगा। पर ये टट्टी चीज तो नहीं, मेरे को लग नहीं रहा है मैं उस दिन ये देखूंगा। आधे आधे सीन में, पूरे सीन में, मतलब एक तरीके से श्री राम जी हंसे नहीं, मैं हंसे ही नहीं, लग नहीं रहा था हंस रहे हैं। और ये सबसे बड़ी टट्टी चीज क्या है, हनुमान जी को कौन मूस देता है? हनुमान जी को मूस दिया पड़ा है, रामन की लंका सोने की है ही नहीं, वो चौको भाई, वो काली है। सोने की लंका बोलते हैं भाई, वो सोने की लंका है ही नहीं, जबकि रामन भी फुल छपरी बना हुआ है। और कौन बंदा कौवे के ऊपर चढ़ के जाता है? पता नहीं क्या बना दिया ये भाई। यार श्री राम के ऊपर ऐसा मजाक मेरे को नहीं अच्छा लगा। सोच रहे वे भैया है, वो मेरे को वीडियोस का आइडिया देते, वो इतने दिनों से बोल रहे बना दे आदि पुरुष के ऊपर, आदि पुरुष के ऊपर बना दे बेटा, आदि पुरुष के ऊपर, आदि पुरुष के ऊपर। भाई मैं क्यों बनाऊ उस टट्टी चीज के ऊपर, जब दुनिया को पता वो टट्टी है, सबको पता वो टट्टी है। श्री राम के ऊपर ऐसा मजाक बना दिया है ना, वानर सेना को इतना बेकार बना दिया है ना, हनुमान जी को मूस दे दिया है। अकल है ना इन लोग के अंदर बहुत ज्यादा। पहले जाके महाभारत देखो, उसमें क्या होता है वो होता है, फिर लॉन्च कर लो। बस यही पता है रामन हरण करके ले जाता है सीता का, इतना ही हमको पता है, बाकी हमको पता नहीं है। श्री राम हंसते हैं नहीं हंसते हैं हमको नहीं पता, हमने तो बना दिया है, हमने जो बनाया टट्टी बनाया है, है ना भाई? यहाँ पे कौन कौन बोलता है ये मूवी टट्टी है टट्टी है टट्टी है? जो बंदा देख ना वो मर जाएगा एक पहली बार में। सोच नहीं भाई, वो बंदा बेहोश होकर सोचेगा ये रामायण देख रहा हूँ या फिर हॉलीवुड की कोई मूवी देख रहा हूँ भाई। इस और भाई क्या एडिट किया है उन लोगों ने, क्या एडिटिंग है भाई, इतनी टट्टी एडिटिंग मैंने कभी जिंदगी में देखूंगा भी नहीं। भगवान उठा ले हम ये चीज देख लिए तो, जितने पैसे लगे ना बेटा उतने पैसे आ नहीं पाएंगे इस मूवी से। माना उसको देखो, तुमको आदि पुरुष में इतना पैसा मिल जाएगा तो मान लिया, मैंने मिल गया, चलो मान लिया भाई, सोच लिया मिल गया तुमको, मिलेगा क्या करोगे उसका? श्राप तो तुमको अलग से मिल जाएगा श्री राम का। सीता हरण तो पता है, पर होता कैसे है, आगे क्या है, श्री राम जी दिखते कैसे हैं, ये उसको नहीं पता है, बिल्कुल नहीं। सोचो श्री राम जी की एडिटेड मूवी है, एडिटेड मूवी सब लोगों ने देखी होगी, आई गेस देख ले रहा उसकी एडिटेड मूवी, वो इससे भी ज्यादा अच्छी है। हमको बहुत अजीब लगा, रामन की लंका सोने की नहीं है अलग ही चीज है। जो अभी अक्षय कुमार की आई थी ना, जिसमें वो क्या नाम था उसका, उस मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, वो और तोड़ने जा रहे थे राम राम, उसमें एक ब्रिज को तोड़ा जा रहा था, जिसको इंग्लिश में अगर तुम लोग गैस कर पाओगे, श्री राम के भक्त हो गए तो बता देना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडम्स ब्रिज, तुम लोग बता एडम्स ब्रिज कौन है, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बोलूँगा नहीं अब। अगर तुम लोग कमेंट सेक्शन में हमको उसको पता नहीं चला ना क्या है वो, क्यों है वो, तो मैं तुम लोग से देखूंगा, फिर देखूंगा अगर
लोग को इतना भी नहीं पता श्री राम के ऊपर। भाई सोचो कौन बंदा एडम वो श्री राम का वो लेके पत्थर लेके से वो पानी भी तैरा सकते हैं। हमारी सोसाइटी में एक बच्चा है जो बोलता है हम भगवान को नहीं मानते हैं, हम श्री हवरे वाला तुमको अगर श्री राम के बारे में बताए ना, भोलेनाथ के बारे में बताए ना, तुमको पता नहीं यहाँ पे इतने ज्यादा हो गए भाई। तुम कहीं भी जाओगे ना, देखो जैसे इंडिया में आधी तुम नैनीताल जा रहे हो घूमने के लिए, तुमको इतनी सारी अच्छी जगह मिलेगी ना जिसको भगवान ने ही बनाया है। इंडिया में सब भगवान ने बनाया है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करता हूँ। मेक श्योर आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दोगे। बाय बाय।